हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय माय नेम इज़ निहारवालिया एंड मैं आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020 और आज का हमारा टॉपिक है ऑल यू नीड टू नो अबाउट सेबी ग्रेड ए एग्जाम पैटर्न आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है रिगार्डिंग हाउ डज द सेबी एग्जामिनेशन इज गोइंग टू लुक वो किस तरह से दिखने वाला है उसके अंदर क्या आएगा वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी मतलब हमारा एग्जाम के अंदर कितने फेजेस हैं पेपर वन में क्या होता है पेपर टू में क्या होता है उनकी मार्किंग स्कीम क्या है और इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है सो लेट्स बिगिन विद इट द ओवरऑल एग्जामिनेशन विल बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट आपका फेज वन है वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है स्क्रीनिंग कह रहे हैं उसे द टर्म इज ऑनलाइन स्क्रीनिंग एंड देन आपका फेज टू होगा जिसके अंदर आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा और पेपर टू के अंदर हमारे पास और भी जो जनरल स्ट्रीम या फिर आपकी जो स्पेसिफिक स्ट्रीम होगी उसका भी एक सेपरेट एग्जाम होगा और फिर आएगा आपका इंटरव्यू तो ओवरऑल ये तीन फेजेस में डिवाइडेड है और तीनों फेज की कट ऑफ अलग अलग है और एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो है आपका जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें दो पेपर्स हैं देन सेकंड में दो पेपर्स हैं है, और आखिरी आपका जो इंटरव्यू है उसका एक ही होगा दैट इज फेज थ्री सो लेट्स डिस्कस इट सबसे पहली चीज है हमारा सेबी ग्रेड ए ऑफिसर 2020 ऑल इंडिया का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट टेस्ट और आपका जो फर्स्ट टेस्ट है, right फर्स है वो आप अभी देख सकते हैं आप उसे ट्राई कर सकते हैं और उसके साथ साथ यू कैन गो है आपको वो पसंद आया यू कैन गो हैड एंड परचेज इट फॉर ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज प्राइस ऑफ आर टेस्ट सीरीज ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर द एग्जामिनेशन तो आपके लिए एक इवेल्यूएशन का तरीका निकल कर आता है एंड मोर ओवर यहां पर आपको ट्वेल्व सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल गए हैं और उस साथ में एट कंप्लीट मॉक टेस्ट भी है मतलब आप एक बार पूरा आठ बार पेपर देकर देख सकते हो कि एग्जैक्टली exactly आपकी प्रिपरेशन कैसी है और पता लगा सकते हो कहां पर आपको वर्क करने की रिक्वायरमेंट रहेगी सो लेट्स कंटिन्यू ग्रेड ए ऑफिसर टेस्ट सीरीज चलिए सेबी ग्रेड ए एग्जाम 2020 के अंदर हमारे पास 147 फोर्टी सेवन वेकेंसीज हैं ओवरऑल यहां पर 147 फोर्टी सेवन वेकेंसीज हैं और इनकी एज लिमिट है 30 ईयर्स सो so, आपके पास ये टाइम है आप इसे अगर अप्लाई नहीं कर पाए हैं अभी तक तो 31 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और एट द सेम टाइम वर स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछ रहे थे कि एक्जैक्टली exactly किसके लिए है और ये किसके लिए नहीं है तो मैंने यहाँ पर जनरल स्ट्रीम के लिए आपके लिए बता दिया है अगर आप जनरल स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन Would do. अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हो लॉ वाले हैं वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं उनका लीगल का अलग स्ट्रीम भी है एंड देन जिन्होंने बीटेक की हुई है इंजीनियरिंग वो यहाँ पर है एंड एट द सेम टाइम सी ए सी एफ एंड सी एस एन कॉस्ट अकाउंटेंट वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सो राइट नाउ वी है so right so तक तो सिर्फ फॉर्म्स ही फिल हो रहे हैं The next point that comes around is income mode of सिलेक्शन क्या है इनके मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर सबसे पहला है आपका फेज वन जब हम फेज़ वन की बात करते हैं तो इनके फेज वन के अंदर आपकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग है दिस इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसके अंदर हमारे पास दो पेपर्स रहेंगे पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन में आपका क्वांट और बेसिक जो भी हमारा रहता है वही आएगा आपके पास बेसिकली uh, जितनी भी चीज़ें होंगी वो हंड्रेड मार्क्स के अंदर डिवाइडेड हैं उसमें इंग्लिश भी आ जाएगी क्वांट भी होगा रीजनिंग भी होगी और उसके साथ साथ आपका इसी पेपर के अंदर एक और भी होगा पेपर टू वो आपके कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का होगा देन फेज टू है वो आपका दो अब उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा और साथ ही साथ जो आपने पेपर टू uh, दिया था इन फेज वन उसी का सेम सिलेबस यहां पर कंटिन्यू होगा वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी और लास्ट फेज इज इंटरव्यू फेज वन का जो आपके इंटरव्यू के टाइम तक जो आपके फाइनल के लिए एग्जामिनेशन के लिए इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे लेकिन फेज टू और इंटरव्यू दोनों की वेटेज काउंट होगी जब हमारी फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी सो so, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपके लिए एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay. सो so, हमारे पास अभी एट प्रेजेंट ये सामने है आपके पास ऑनलाइन स्क्रीनिंग फेज वन जो फेज वन है उसका पेपर वन क्या है वो सभी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है दिस विल बी एन एम सी क्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एम सी क्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहला इसमें आता है जनरल अवेयरनेस आपको फाइनेंशियल सेक्टर की अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सेबी तो वहां पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी रहेगी और देन इंग्लिश लैंग्वेज आएगा देन वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्टेस टेस्ट ऑफ रीजिंग ये पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा ये 60 मिनट्स का एग्जामिनेशन है और इसकी कट ऑफ है 30 परसेंट मतलब आप लोगों के लिए हंड्रेड मार्कर पेपर रहेगा जैसे कि आप बाकी सब पेपर्स के लिए प्रिपेयर करते आए हैं वैसे ही यहाँ पर आपको इंग्लिश के लिए भी प्रिपेयर करना है और क्वांट के लिए भी प्रिपेयर करना है बट जस्ट मेक श्योर जब आप यहाँ पर सेबी के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज ये पेपर डिटर्मिन करेगा कि आप फेज टू तक जा रहे हैं या फिर नहीं इसकी आपकी कट ऑफ थर्टी है इंडिविजुअल कट ऑफ है मतलब पेपर वन की अलग है पेपर टू की अलग है देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका पेपर टू अब पेपर टू के अंदर एक है जनरल स्ट्रीम्स के लिए मतलब जिन्होंने जनरल में अप्लाई किया है अगर आपने बीटेक की हुई है आपने बी की हुई है आपने एमसीए की हुई है उसके बाद आपने जैसे बीकॉम एमकॉम की हुई है अब वो लोग इसके लिए जा सकते हैं ट इज जनरल स्ट्रीम पेपर टू उसमें क्या क्या आएगा दे हैव अ सब्जेक्ट जहां पर कमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात की जाएगी देन वी हैव मैनेजमेंट देन नेक्स्ट वी हैव फाइनेंस एंड कॉस्टिंग कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स ये वाले टॉपिक्स आपके आ जाते हैं आपके पेपर टू के अंदर ये पेपर फोर्टी मिनट्स का रहेगा और ये हंड्रेड मार्क्स का है सो so, इसकी आपकी कट ऑफ है फोर्टी परसेंट इस पेपर की जो आपकी कट ऑफ रहेगी दैट इज 40% परसेंट जबकि पेपर वन की आपकी 30% परसेंट थी तो यहां पर इंडिविजुअली आपको पेपर और पेपर करने so वो कह देते हैं, अगर आपने जनरल की जगह आप अपनी स्पेसिफिक स्ट्रीम में जा रहे हैं लॉयर्स के लिए यहां पर आया लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देन इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिविल एंड इलेक्ट्रिकल उनके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम्स हैं तो यहां पर आपकी स्ट्रीम के रिगार्डिंग स्पेसिफिक एमसीक्यूज आएंगे और ये पेपर आपका अगेन हंड्रेड मार्क्स का ही है या तो आप ये वाला है या फिर ये वाली स्ट्रीम के अंदर स्ट्रीम ये वाली स्ट्रीम के अंदर आपके पास टॉपिक्स रहेंगे इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स देन फाइनेंस एंड कमर्स सो so, ये आपके पास ये दो स्पेसिफिक स्ट्रीम्स हो जाती हैं और ये ऊपर जनरल स्ट्रीम है सो so, आपको इन एनी केस अगर आप रिसर्च स्ट्रीम में है या जनरल स्ट्रीम में है तो आपके पास कमर्स एक कॉमन टॉपिक आ गया उसी के साथ में फाइनेंस भी आपका एक कॉमन टॉपिक है सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड आपको इनकी डिटेल्स सेबी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी एंड मोर ओवर मेरी कमर्स की क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस भी किया गया है इसका सिलेबस किस तरह से है सो so देन हमारे पास इनकी एग्रीगेट कट ऑफ भी डिफाइंड है एक आपको इंडिविजुअल कट ऑफ है पेपर वन की थर्टी पेपर टू की फोर्टी और ओवरऑल यू हैव टू स्कोर फोर्टी परसेंट सो ये आपका फेज वन है फेज वन के अंदर के दो पेपर पेपर वन एज वेल एज पेपर देर आर सर्टन थिंग्स जो इन्होंने इसके रिगार्डिंग डिफाइन की हुई थी वो क्या थी वो कहते हैं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी वन फोर्थ की दैट इज वन फोर्थ ऑफ द मार्क्स असाइंड टू द क्वेश्चन पॉइंट टू फाइव इसकी मार्किंग का आपका नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर कट ऑफ जो पेपर वन की है वो थर्टी परसेंट की है और पेपर टू में हमारे पास फोर्टी परसेंट की है सो इन ऑर्डर टू क्लियर एग्जामिनेशन आपको इंडिविजुअली पेपर वन पेपर टू भी देखने हैं और एग्रीगेट कट ऑफ में आपको 40 परसेंट से ऊपर भी रहना है सो so, यहां पर आएगा बट फाइनल के लिए ये काउंट नहीं होंगे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दिस विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन ये सिर्फ आपको नेक्स्ट फेज में जाने में हेल्प करने वाला है जबकि जो आपका इसके बाद पेपर होगा मतलब फेज टू जो होगा फेज टू के अंदर जो भी आपके मार्क्स आते हैं वो सारे के सारे प्लस इंटरव्यू आपके फाइनल के लिए काउंट होंगे तो अब देखते हैं उसका क्या है किस तरीके का एग्जाम होगा और कितनी कट ऑफ है ओके okay. फेज़ टू इज अगेन एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहला आपका स्क्रीनिंग था जिसमें उन्होंने रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स निकाल लिए होंगे जो उनको लगता है उनकी कट ऑफ के ऊपर रहेंगे देन आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसमें आपका पेपर वन जो है दैट इज गोइंग टू बी इंग्लिश ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा हंड्रेड मार्क्स का होगा और आपको इसके लिए सिक्सटी मिनट्स मिलेंगे यू बी गेटिंग 60 मिनट्स और इसका कट ऑफ इज थर्टी परसेंट और फाइनल के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि क्लियरिंग के लिए इसकी वेटेज है वन थर्ड फेज टू में आपका फोकस बदलने वाला है आपका फोकस हो जाएगा आपके दूसरे एग्जाम में फर्स्ट एग्जाम जो है वो आपका पेपर जो है ऑल स्ट्रीम्स के लिए चाहे आप स्पेशलाइज दे रहे हैं या फिर आपका जो जनरल स्ट्रीम के अंदर दे रहे हैं सबका फर्स्ट पेपर जो है वो सेम होगा वो इंग्लिश होगा इसके अलावा बाकी सब बाइलिंग रहेंगे ये आपका स्पेसिफिकली इंग्लिश में ही रहेगा सो देन वन थर्ड इसका हो गया और जो जनरल स्ट्रीम है उनके लिए जो पेपर वन के अंदर सब्जेक्ट्स थे वही सेम सब्जेक्ट्स यहाँ कंटिन्यू हो रहे हैं दैट इज एम सी क्यूज ऑन कमर्स एंड अकाउंटेंसी देन वी हैव फाइनेंस मैनेजमेंट देन कंपनीज एक्ट कॉस्टिंग एंड लास्ट इज इकोनॉमिक्स तो ये आपके पास रहेगा 40 मिनट्स का ये पेपर रहने वाला है अगेन 100 मार्क्स का पेपर है तो ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इसके लिए आपके पास टाइम कम होगा और मार्क्स ज्यादा है एंड यहां पर इस पार्ट की वेटेज भी ज्यादा है इसकी वेटेज इज टू थर्ड तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव की वेटेज कम है और जनरल स्ट्रीम में जो आपके पास वेटेज दिख रही है इस सेकेंड एग्जाम की जो एमसीक्यू बेस्ड होगा उसकी वेटेज ज्यादा है नेक्स्ट पार्ट इज अगर आप स्पेशलाइज स्ट्रीम्स की बात करते हैं लीगल इंजीनियरिंग या फिर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम्स की तो वहां पर एम आपके ऊपर आएंगे फर्स्ट वाला पेपर इनको भी वही देना है डिस्क्रिप्टिव वाला दूसरे पेपर में आपको क्या करना होगा आपके पास एम आएंगे आपकी ही स्पेशलाइज स्ट्रीम के रिगार्डिंग और ये अगेन हंड्रेड मार्क्स का पेपर है 40 मिनट्स मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए और इसकी कट ऑफ 40 परसेंट है और वेटेज क्या रहेगी टू थर्ड तो आपका फर्स्ट पेपर की वन थर्ड है और इसकी जो आपके स्पेशलाइज पेपर होंगे या जनरल स्ट्रीम वाला जो पेपर है उसकी वेटेज टू थर्ड है ये चैलेंजिंग भी ज़्यादा हो जाता है बिकॉज आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा रिसर्च स्ट्रीम की अगर आप बात करेंगे तो उनका जो एमसीक्यू आएगा दैट इज बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस एंड कमर्स इसके ऊपर उनके एम आएंगे तो मतलब अगर आप फेज वन में प्रिपेयर कर रहे थे पेपर वन के लिए तो वहां पर पेपर वन और पेपर टू में जब आपने प्रिपेयर किया तो पेपर टू वाले ही टॉपिक्स आपके पास कंटिन्यू हो जाते हैं फेज टू के पेपर टू के अंदर तो आपने वहां पर प्रिपेयर किया उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा आप क्वालिफाई कर जाए उसके बाद आपको सारा फोकस उस तरफ रखना होगा साथ ही साथ आपको अपने इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी प्रिपरेशन करते रहना होगी सो so, इसका एग्रीगेट कट ऑफ इज फोर्टी परसेंट ओके सो जब हम बात कर रहे थे इधर की तो अगेन पेपर वन और पेपर टू का जो हमारा कंसेप्ट था वो सेम चला रहा है फेज वन के अंदर पेपर वन जो था उसकी कट ऑफ थर्टी परसेंट थी फेज टू में भी पेपर वन की जो कट ऑफ है वो थर्टी परसेंट है और पेपर टू की कट ऑफ आपकी फोर्टी परसेंट हो जाती है और आपका एग्रीगेट जो बनकर आता है वो भी अगेन फोर्टी परसेंट है सो so, आप जो आपका अगर जनरल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं या आप अपने स्पेसिफिक स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा आपके इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप जनरल स्ट्रीम में हैं तो आपको कमर्स एंड अकाउंटेंसी फाइनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कंपनी लॉ इन सब पर फोकस डालना होगा और अगर आप लीगल में हैं तो आपको आपकी स्ट्रीम के रिगार्डिंग अपने फोकस ज्यादा रखना होगा ताकि आपका सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रॉगर बेस निकल कर आए देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव मार्किंग अगेन यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो सेम है वो वन फोर्थ की होगी मतलब पॉइंट टू फाइव की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और यहां पर पेपर वन का थर्टी परसेंट आपका क्या रहेगा कट ऑफ फोर्टी परसेंट हो जाएगा पेपर टू के अंदर फेज टू के अंदर तो यहां पर हम कैंडिडेट्स को वह कहते हैं कि उन्हें सिक्योर करना होगा ओवरऑल फोर्टी परसेंट ओवरऑल भी आपको 40 परसेंट पर रहना होगा सो दैट मीन मिनिमम के अकॉर्डिंग नहीं जाना होगा आपको टोटल की तरफ भी देखना है क्या आप टोटल 200 में से 40 परसेंट के अकॉर्डिंग स्कोर कर पा रहे हैं या फिर नहीं तो वहां से हमारे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे ओके सो यहां पर वो कहते हैं इन ही कैंडिडेट्स में से हमारे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे और कैंडिडेट्स चाहे तो इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं और वेटेज क्या रहेगी आपकी 85 आपके फेज के मार्क्स काउंट होंगे सिर्फ 15 आपकी वेटेज रहती है इंटरव्यू की मतलब आपका जो सेकेंड पेपर है वो डिटर्मिन करेगा कि आप कितना जल्दी इसे क्वालिफाई कर पाएंगे विल यू बी एबल टू डू इट और नॉट इंटरव्यू की वेटेज सिर्फ पंद्रह है फेज टू का असली मार्क आपको डिसाइड करता है कि आप होंगे या फिर नहीं होंगे और इन्होंने फेज 2 के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ था कि जितने उनको चाहिए होंगे उसका 3 टाइम कैंडिडेट ही वो वहां पर रखेंगे रफली 400 समथिंग 441 के आसपास के आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो चूज होंगे आपके फेज 2 के अंदर और उनमें से ये शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू एंड बाद में हमारे पास क्या होगा अंत में आकर आपकी सिलेक्शन की बात आएगी ओके okay. देन स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एग्जैक्टली exactly कैसे प्रिपेयर करना है क्या प्रिपेयर करना है तो आज मैं उसका भी आंसर दे रही हूं स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो मैं किसी स्पेसिफिक बुक का रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ बहुत सी अलग अलग बुक्स हैं जिनके अंदर से आपको बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज कोई टॉपिक नहीं है कि इस पर्टिकुलर बुक में आपको सब मिल जाएगा इट इज बेसिकली स्कैटर्ड अलग अलग बुक्स के अंदर उनका कुछ कुछ टॉपिक अच्छा दिया हुआ है so, सो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी रिकमेंडेड बुक्स फॉर कमर्स एंड अकाउंटेंसी की कमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर आपके पास काफ़ी टॉपिक्स हैं जो आपको प्लस टू और प्लस वन की बुक से मिल जाएंगे प्लस वन की बुक से आपको फाइनेंस एज इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला जो पार्ट है वो आपको डिटेल मिल जाएगा यूजर कौन होते हैं फाइनेंस क्या है किस तरीके से अकाउंटेंट इसका इस्तेमाल करता है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी लेकिन जो आपका कैश फ्लो रेशो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनालिस जैसे टॉपिक्स हैं वो आपको ट्वेल्थ की बुक के अंदर अच्छे मिलेंगे

सेकेंड या थर्ड ईयर की बीकॉम की बुक्स में से आपको कमर्स एंड अकाउंटेंसी का बचा हुआ हिस्सा मिल जाएगा कोशिश कीजिएगा आप जब फोकस कर रहे हैं तो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप बीकॉम की बुक्स की तरफ से देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उसके अंदर वो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं देखने हैं आपको उनकी थ्योरेटिकल पार्ट से अपना कंसेप्ट समझना है एक चीज़ आपके पेपर के अंदर नो no डाउट वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाल सकते हैं लेकिन उनके वो जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे उनकी कैलकुलेशंस भी लिमिटेड होगी और वो ज्यादा रहने वाले हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपका फोकस उस बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ नहीं है आपका फोकस कंसेप्ट को समझने की तरफ है क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे न्यूमेरिकल विल बी देर लेकिन कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स की उम्मीद हमें नहीं है सो so, यहाँ पर आता है रिकमेंडेड बुक्स फॉर कमर्स एंड अकाउंटेंसी टी एस गरेवाल ट्वेल्थ की अच्छी है अगर आपके पास टी एस गरेवाल नहीं है तो डी के गोयल भी है जुनेजा चावला भी है तो ये ट्वेल्थ की दो तीन बुक्स बहुत चलती हैं तो आप वहां से इन्हें रिव्यू कर सकते हैं रेशो एनालिसिस जैसे चैप्टर का उसमें पूरा पूरा एक डिटेल्ड चार्ट मिल जाएगा जहाँ पर आप समरीज पढ़ सकते हैं पूरी तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी सो so, चलिए देखते हैं अगली बुक्स रिकमेंडेड बुक्स फॉर कॉस्टिंग कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं तो आपके पास इनमें से कई कॉन्सेप्ट्स अगर आप में से कुछ सीए या सीएस के लिए प्रिपेयर करते आ रहे हैं तो आपको वहां पर आपकी सीए एक् एक्जिक, सी एस एक्जिक, एग्जीक्यूटिव के पार्ट के अंदर आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे तो वहां पर अगर सीएस की बुक्स में देखेंगे तो उन मॉड्यूल्स के अंदर ही आपको बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी साथ ही साथ बी के अंदर स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल है अगर आप मेरे पास क्योंकि पी यू अभी बुक्स थी तो आई वॉज फॉलोइंग एस पी जैन एन नारंग एंड कल्याणी पब्लिशर्स की ये बुक है इसके अंदर आपके पास काफी डिटेल्ड वे में कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफाइंड है बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट स्किप करते हुए आपको फोकस करना है सिर्फ उसके कंसेप्चुअल पार्ट की तरफ कि फॉर्मुलाज क्या हैं किस बेस पर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कंसेप्ट बने हैं तो आपको वहां पर फोकस करना है न्यूमेरिकल

यूसोल के नोट्स आते हैं दर पी यू के स्टूडेंट्स के अंडर एंड देन वी हैव इग्नू के लिए आपके पास नोट्स मिल जाएंगे वहां से आपको इनका स्कैटर डेटा जरूर मिल जाएगा कॉस्टिंग के लिए जो उन्होंने डेटा डाला है वो कोई स्पेसिफिक बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा सो यू विल हैव टू गैदर इट और बेटर रहेगा कि आप पहले अपना जो स्टडी मटेरियल होता है वो इकट्ठा करके रखें बिकॉज जब आपका फेज वन के बाद फेज टू का वक्त होगा तो आपके पास टाइम कम होगा और आपको फोकस ज्यादा करना होगा फेज टू की तरफ तो वहां पर अगर आप अभी वो सारे स्टडी मटीरियल ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है देन नेक्स्ट पार्ट इज डेड बुक्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए पर्सनली जो मुझे पसंद दैट इज एल एम प्रसाद इस बुक के अंदर आपको ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत क्लियरली डिफाइंड हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके पास ट्वेल्थ क्लास की एनसीई आर टी के अंदर आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पूरा डिटेल अगर आपको अगर आप कहीं पर भी मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ चुके हैं आज तक तो बेस्ट ऑप्शन होगा यू गो थ्रू एनसीईआरटी एनसीईआरटी फर्स्ट के अंदर जो उसकी बुक वन है उसके अंदर आपके पास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत डिटेल्ड में कहीं ना कहीं गिवन है कि आपको एक ओवरव्यू हो जाता है कि मैनेजमेंट होता क्या है क्योंकि अगर आपको नहीं पता है मैनेजमेंट के टॉपिक क्या है वो किस तरीके से बना है क्या है उसके अंदर तो बेटर होगा आप पहले उसे गो थ्रू करें एलएम प्रसाद की बुक ज्यादा डिटेल्ड है लेकिन समझने के लिए वो इजी रहती है सो so, आप यहां से जा सकते हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो बेटर हो जाता है कि वो आप रैदर किसी बुक से फॉलो करें आप ऑनलाइन उस पर्टिकुलर कंटेंट को ढूल कर वहां से उसको पढ़ें क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फिलोसफीज होती हैं टॉपिक्स होते हैं तो वहां पर कोई स्पेसिफिक बुक की जाने की बजाय अगर आपने ऑनलाइन नेट से निकाल लिया तो आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है सो so, जो बुक फॉलो करना चाहते हैं एल एम प्रसाद इज अ गुड बुक इस बुक के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। रिमेनिंग जो आपका एचआरडी वाला पार्ट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली जगह से मिलेगा अगर आपकी बी की बुक के अंदर आपको वो टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि काफी सारे कॉलेजेस के अंदर वो रहता है बी के अंदर तो ये मैनेजमेंट वाला टॉपिक है तो आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला पार्ट लीडरशिप वाला पार्ट आपको बी की बुक से भी मिल जाएगा और बीबीए से भी मिल जाएगा दैट इज अवेलेबल इन बी एज वेल एज बीबीए उनका जो मैनेजमेंट वाले सेमेस्टर्स हैं, उनके अंदर आपको वो एच वाला पार्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लीडरशिप मोटिवेशन वो जरूर मिल जाएंगे एंड इनफैक्ट आपके मैनेजमेंट के पार्ट के लिए मोटिवेशन और लीडरशिप जैसे टॉपिक्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली उम्मीद है कि इनसे पूछा जाएगा तो मोटिवेशन तो आपको अच्छे से करना ही है उसमें जितनी थ्योरीज और वो सब मिलता है आपको वो अच्छे से करनी होगी क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पक्का है कि वहां से होगा देन वी हैव कम्युनिकेशन एज वेल एज लीडरशिप उसके बाद ये दो टॉपिक्स और आ जाते हैं जहां से मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट रहती है जो आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो पार्ट लंबा है तो उसकी बजाय अगर आप ज्यादा फोकस मोटिवेशन लीडरशिप कम्युनिकेशन और एचआरडी की तरफ करेंगे तो ये वाला पार्ट आपके लिए होगा स्कोर करना। तो इस तरीके से वी एंड द स्ट्रेटजी टू बी यूज जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहला काम आपका स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना होना चाहिए क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए मैंने कहां, कहां से अपना पढ़ाई करनी है एक थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई तक फॉर्म फिलिंग तक का टाइम है इसका मतलब आप इस टाइम पीरियड तक अपना सारा फोकस स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने और फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की तरफ लगा दें और साथ साथ पेपर टू का अपना जो जो आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते जा रहे हैं उसको रिव्यू करते रहें जब आपका पेपर वन हो जाता है उसके बाद आपको फोकस करना होगा टू योर पेपर टू ऑफ फेज टू फेज टू के अंदर जो आपका पेपर टू है वो फोर्टी परसेंट के रखता है। Rather, आपकी क्लियरिंग के लिए आपका फेज टू वाला वेटेज मतलब तो सिर्फ उसी का है फेज टू के अंदर अगर आपका स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से चला गया तो ये तो क्लियर ही है कि आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है तो आपको ज्यादा ध्यान पेपर टू की तरफ रखना है, ताकि आपके लिए वो क्रैक करना इजी हो जाए क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 15% परसेंट वेटेज रखता है आपकी ओवरऑल सिलेक्शन के लिए सो ऑल द बेस्ट प्रिपेयर करते वक्त ध्यान रखिएगा इन चीजों का थैंक यू इनकेस आपको कोई और चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस बारे में पूछ सकते हैं